सब्सक्राइब कीजिए कैरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग स्किन वाइटनिंग क्रीम जो आप बड़ी ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। बहुत कॉमन से इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज कर रही हूँ जो कि हम सब के घरों में अवेलेबल होते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और इसके इतने सारे फायदे होने वाले हैं आपकी स्किन पर। फिर चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, चाहे पिगमेंटेशन हो, बहुत ज्यादा काले निशान आपके चेहरे पर हो गए हो, एजिंग की वजह से झुर्रियां और झाइयां दिखना शुरू हो गई हो, स्किन आपकी सैगी या ढीली दिखना शुरू हो गई हो, प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, इन सारे प्रॉब्लम से ये छुटकारा दिलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स से और जो भी चीजें मैं इसमें यूज करने वाली हूँ पहले वो जानते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैं इस अमेजिंग क्रीम को बनाने के लिए यूज कर रही हूँ वो है मसूर की दाल या रेड लेंटिल। मसूर दाल हम सभी जानते हैं कि सबसे अच्छी मानी जाती है जब भी बात की जाती है स्किन वाइटनिंग की, क्योंकि ये बहुत जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट करती है, डेड स्किन को हटाती है, पिगमेंटेशन पर खास तौर पर काम करती है, काले धब्बों को हटाने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है और साथ ही स्किन पर बहुत जेंटल होती है। इसलिए किसी भी स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं और इससे फायदे ले सकते हैं। इसके साथ ही मसूर दाल फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिससे कि खास तौर पर वो लोग जो उम्र के साथ होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन में भी अपने बदलाव देख रहे हैं, स्किन टू टोन हो गई है, मुरझाई और बेजान से दिखने लगी है, तो उन लोगों के लिए भी ये मसूर दाल की क्रीम बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। खास तौर पर मसूर दाल का यूज इस क्रीम में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो ये तो बात हुई पहले इंग्रेडिएंट की। जो अगली चीज मैं इस रेमेडी में यूज कर रही हूँ वो है शुगर या शक्कर। यहाँ पर आप व्हाइट शुगर या ब्राउन शुगर जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल है वो ले सकते हैं। और शुगर एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स होती है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है स्किन को नेचुरली पील करने के लिए, डेड स्किन को हटाने के लिए, जिससे कि अंदर से नई स्किन आती है, न्यू सेल रिजनरेशन को प्रमोट करता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है जिससे आपकी त्वचा नर्म बनती है, मुलायम बनती है और उस पर एक बहुत अच्छी नेचुरल ग्लो आती है। इसके बाद अगली चीज मैं इस रेमेडी में यूज कर रही हूँ वो है लिक्यूरस पाउडर या मुलेठी का पाउडर। मुलेठी भी हम सभी जानते हैं कि कितनी अच्छी मानी जाती है चेहरे से पिगमेंटेशन और काले धब्बों को हटाने के लिए, और अब तो कई सारी ऐसी साइंटिफिक रिसर्च भी आ चुकी हैं जो ये प्रूव कर चुकी हैं कि लिक्यूरस पाउडर, लिक्यूरस एब्स्ट्रैक्ट कितना फायदेमंद होता है, पिगमेंटेशन पर कितना इफेक्टिवली काम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन या मेलास्मा की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए कितना फायदेमंद होता है। इसमें खास तौर पर जो ग्लाइसराइजीन और ग्लेविरिटीन पाए जाते हैं वो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम पर काम करते हैं और आपके चेहरे को बेदाग और चमकदार बनाते हैं। अगली चीज मैं इस रेमेडी में यूज कर रही हूँ वो है मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर नेचुरली एक बहुत अच्छा सोर्स होता है लैक्टिक एसिड का, और लैक्टिक एसिड भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत जेंटली डेड स्किन को हटाता है, स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज इसमें नेचुरली काफी अच्छी होती है। इसलिए खासतौर पर वो लोग जो अपनी स्किन के टैन हो जाने की वजह से, पिगमेंटेशन हो जाने की वजह से, या जिनकी स्किन टू टोन दिखती है, मीन्स माथे का रंग कुछ और दिखता है, चेहरे का रंग कुछ और दिखता है और गर्दन का रंग कुछ और दिखता है, ऐसे लोगों के लिए मिल्क पाउडर का यूज काफी फायदेमंद माना जाता है और काफी अच्छे रिजल्ट उन लोगों को मिलते हैं। अगली चीज मैं इस क्रीम को बनाने के लिए ले रही हूँ लेमन जूस। और लेमन जूस हम सभी जानते हैं कि सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, जो कि अपने स्किन ब्राइटनिंग और स्किन लाइटनिंग गुणों के लिए जाना जाता है। विटामिन सी और लेमन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट आपके चेहरे को चमकदार बनाते हैं, गोरा बनाते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम चेहरे पर हो उससे छुटकारा दिलाते हैं। तो ये तो बात हुई इंग्रेडिएंट की। अब इस क्रीम को बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस क्रीम को बनाने के लिए आपको तैयारी एक रात पहले करनी होगी और उसके लिए आपको मसूर की दाल को भिगोकर रखना होगा। फिर चाहे आप उसको दूध में भिगोकर रखें, पानी में भिगोकर रखें, गुलाब जल में भिगोकर रखें, जो भी आसानी से आपको आपके घर पर मिल जाए वो ले लें और करीब एक चम्मच मसूर की दाल को एक रात पहले भिगोकर रख दें। अगली सुबह जब ये अच्छी तरह से भीग जाए तो फिर एक बाउल में आपको एक चम्मच मसूर की दाल लेनी है, एक चम्मच शुगर लेनी है, एक चम्मच लिक्विड पाउडर लेना है,
एक चम्मच मिल्क पाउडर लेना है और आधा चम्मच लेमन जूस लेना है। अब इन सभी चीजों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इतना अच्छा आपको पीसना है कि एक बहुत ही फाइन कंसिस्टेंसी की क्रीम जैसा पेस्ट आपका बन जाए, क्योंकि इससे हमको अपने फेस पर मसाज करनी है और किसी भी तरह की रफनेस इसमें नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसको आपको इतना बारीक पीसना है कि बिल्कुल क्रीम जैसा बन जाए, और जब ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए तो फिर इसको निकाल लें और आपकी क्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है यूज़ करने के लिए। अब इसको यूज़ करने के लिए आपको अपने चेहरे और गर्दन को अच्छी तरह से धोना है, साफ करना है, जैसे कि पहले से कोई क्रीम या मेकअप आपके चेहरे पर ना हो। और इसके बाद इसको अपने हाथों में लेते हुए आपको अपने पूरे चेहरे की मसाज इससे करनी है। आप ये मसाज 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक अपने चेहरे पर बहुत हल्के हाथों से कर सकते हैं, और चाहे तो कुछ देर के लिए इसको अपने चेहरे पर भी छोड़ सकते हैं। और जब आपकी मसाज हो जाए तो फिर अपने चेहरे को हल्के गुनगुने या फिर ठंडे पानी से धो लें, और जो भी रेगुलर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन आप लगाती हैं वो लगा लें। आप देखेंगे कि पहले ही यूज से आपके चेहरे पर इतना अच्छा ग्लो आएगा, आपके चेहरे के पिगमेंटेशन में काफी कमी आपको दिखेगी, और जब आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो स्किन की कई सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। आप चाहे तो इस क्रीम से अपने चेहरे पर रोजाना भी कुछ देर के लिए मसाज कर सकती हैं। यहाँ पर कुछ बातें मैं और ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि अगर लिक्विड पाउडर आपको नहीं मिल पाता है या आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी को थोड़ा खुरदुरा कर रहा है, तो आप लिक्विड पाउडर की जगह जो मुलैठी की जड़ या लिक्विड रूट आती है उसको भी चंदन की तरह पत्थर पर घिस कर उसका पेस्ट बनाकर एक चम्मच इस क्रीम में ऐड कर सकती हैं। और वो लोग जिनको कि लेमन जूस बिल्कुल भी सूट नहीं करता है अपनी स्किन पर, या जो कि एलर्जिक होते हैं लेमन जूस से, वो इसमें लेमन जूस की जगह ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज जूस भी काफी अच्छे फायदे पहुंचाता है, फुल ऑफ विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। इसलिए जो भी फायदे आपको इस रेमेडी में लेमन जूस से मिलने वाले हैं, बिल्कुल वही फायदे आपको ऑरेंज जूस से भी मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की एक बहुत ही अमेजिंग मसूर दाल से बनी हुई फेस क्रीम। आपको ये रेमेडी कैसी लगी ये जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए, इसको यूज कीजिए, और इससे जो भी फायदे या जो भी रिजल्ट आपको मिलते हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए। और इस रेमेडी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि वो भी इसका फायदा ले पाए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि जैसे ही मैं कोई अच्छी रेमेडी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ आप उसे देख पाए और उसे फायदा ले पाए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में इसी तरह की किसी अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।